भारतीय रक्षा बजट से चीन पाक में भूचाल आ गया। भारत ने निकाला ऐसा रक्षा बजट कि दुनिया देख हो गई हैरान। आत्मनिर्भरता की मिसाल दे दिया भारत ने। भारत आया आत्मनिर्भरता में अव्वल। दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में देश का बजट 2021-2022 पेश किया। इस बजट में जिस बात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो है रक्षा बजट। हालांकि रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी की गई है, लेकिन ये बजट असल में दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी से भी अधिक है। यही नहीं, जीडीपी प्रतिशत की बात करें तो भारत अपने बजट का पड़ोसी मुल्क चीन से कहीं अधिक बड़ा हिस्सा अपनी रक्षा जरूरतों पर खर्च करता है। इस साल पिछले साल के मुकाबले 7.4% की बढ़ोतरी रक्षा बजट में की गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिरकार भारतीय रक्षा बजट से चीन पाकिस्तान में कैसे भूचाल आ गया है, कैसे भारत की इस रक्षा बजट देख दुनिया हैरान हो गई है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना कोई भी वक्त गवाए। तो चलिए, आपको वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दें कि चीन से भारत रक्षा बजट के मामले में कितना आगे है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने अपने कुल बजट का 22.1% बजट रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है। वहीं चीन का रक्षा बजट उसकी कुल जीडीपी का 1.5% से अधिक नहीं होता। हालांकि असल आंकड़ों की बात आती है तो चीन का रक्षा बजट भारत की तुलना में 3 गुना से भी अधिक होता है। पिछले साल चीन का रक्षा बजट $261 बिलियन था, जबकि भारत का रक्षा बजट बाद की बढ़ोतरी के बावजूद $71 बिलियन तक ही रह गया। भारत सरकार ने पिछले साल आपात खरीदी के तौर पर बड़ी धनराशि खर्च की थी। जी हाँ, आपको बता दें, दुनिया में रक्षा मामलों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत जीडीपी के हिसाब से रक्षा बजट के मामले में टॉप 15 में भी नहीं है। जी हाँ, दरअसल दुनिया के कई देश छोटे तो हैं, लेकिन वो अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा रक्षा जरूरतों को पूरा करने में खर्च करते हैं। हालांकि इसमें सऊदी अरब जैसे देशों का नाम भी शामिल है, जो भारत की तरह ही दुनिया के रक्षा बाजार का बड़ा खरीददार है। दुनिया में ओमान अपने कुल बजट का 8.8% हिस्सा रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहीं सऊदी अरब इस मामले में दूसरे नंबर पर है और वो अपनी कुल जीडीपी का 8% हिस्सा रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस लिस्ट में इजराइल भी अक्सर आगे रहता है। वो हर साल अपने रक्षा बजट को कुल बजट के मुकाबले 7.5% रखता है। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो भारत का रक्षा बजट कभी 2.5% से ऊपर नहीं गया है। जी हाँ, इस बार भारत का रक्षा बजट 2.21% रहा है। दोस्तों, चलिए एक बार गौर करते हैं भारत के रक्षा बजट के बारे में। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर रक्षा बजट को बढ़ाने की घोषणा की। यह लगातार 7वां साल है दोस्तों जब मोदी सरकार ने रक्षा बजट को बढ़ाया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि साल 2021 से साल 2022 में रक्षा बजट के लिए 4,78,196 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बजट में रक्षा मंत्रालय को 4,78,195.62 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें से अगर पेंशन की राशि हटा दी जाए तो यह करीब 3.62 लाख करोड़ रुपए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 7.4% अधिक है। दोस्तों, पिछले साल मोदी सरकार ने रक्षा बजट के लिए 4.71 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जो इस साल बढ़कर 4.78 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पेंशन को अलग करने के बाद यह राशि पिछले साल 3.37 लाख करोड़ रुपए थी, जो इस साल बढ़कर 3.62 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि चीन बॉर्डर पर बसे गांवों को विकसित किया जाएगा। ऐसे गांवों पर फोकस रहेगा जहां आबादी कम है और जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच यह ऐलान बड़ा कदम माना जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि अब इसका कारण भी सुन लीजिए, क्योंकि चीन भी बॉर्डर के पास बॉर्डर डिफेंस विलेज बना रहा है। जी हाँ, कई दिनों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि चीन ने भारत से लगी सीमा के पास अपने गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने इसी साल 1 जनवरी से नया भूमि सीमा कानून भी लागू किया है,
दोनों देशों के बीच कई वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन इसका परिणाम कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि इसके तहत चीन बॉर्डर वाले इलाकों में अपने आम नागरिकों को बसाने की तैयारी कर रहा है, और ये एक दो बार नहीं कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि कुछ दिन पहले कुछ ऐसी भी खबरें आ गई थी कि चीन के कई डॉक्टर्स और कई रसोइयों को भारत से लगती सीमा के पास वाले गांव में देखा गया है। तो वहां के जो नागरिक हैं उनका ये कहना है कि चीन अपने लोगों को धीरे धीरे भारत की सीमा से लगती जो गांव है वहां बढ़ाते जा रहा है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बॉर्डर के पास के गांव जहां आबादी कम है और सीमित बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी है, वह अक्सर विकास के लाभ से छूट जाते हैं। हमारी उत्तरी सीमा पर ऐसे गांव को नए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कवर किया जाएगा। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, घर बनाए जाएंगे, टूरिस्ट सेंटर होंगे, रोड कनेक्टिविटी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट होंगे, दूरदर्शन और एजुकेशन चैनल डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए घर घर पहुंचेंगे। साथ ही आजीविका के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा, मौजूदा स्कीमों को इससे जोड़ा जाएगा, उनके आउटकम को देखेंगे और लगातार निगरानी की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने LAC के पास करीब 3 साल पहले से ही गांव बनाने शुरू कर दिए थे। LAC के दूसरी तरफ चीन अब तक इस तरह के 600 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है जिसे बॉर्डर डिफेंस विलेज कहते हैं। इनमें से करीब 400 बॉर्डर डिफेंस विलेज ईस्टर्न सेक्टर में है। ये विलेज चीन की आर्मी PLA की निगरानी में है। इनमें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं जहां सभी सुविधाएं हैं। भारतीय सेना के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि LAC के पास चीन के ये विलेज विजुअल रेंज में है। यह करीब 3 साल पहले से बन रहे हैं लेकिन अभी तक खाली है, कभी कभार कोई हरकत दिखाई देती है, इसीलिए अभी इनका असल मकसद समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों भारतीय सेना का यह भी मानना है कि चीन के इन बॉर्डर विलेज को लेकर यह चिंता है कि वह इसका दोहरा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिविल और मिलिट्री। LAC से चीन की आबादी वाले गांव करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत में LAC से आबादी वाले गांव की दूरी कहीं अधिक है तो कहीं 1 किलोमीटर के भीतर ही आबादी वाले गांव है। भारत अगर इन गांव को विकसित करता है ना दोस्तों, तो यह सामरिक तौर पर भी भारत के लिए अहम होगा। गांव की आबादी अक्सर सेना के लिए आंख और कान का काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह जानकारी आपके लिए किस हद तक महत्वपूर्ण है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।